हाँ जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन और आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आएंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपने ये रेसिपी पूरी देखनी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेहरबानी, शुक्रिया, उनका ये प्यार है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने वीडियो कहीं से भी कट नहीं करनी, अपनी पूरी वीडियो देखनी है। और ये मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार करने हैं आपने। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार करने लगे हैं। तो वो रेसिपी क्या है? आपने इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, ठीक है? और कहीं से भी आपने वीडियो को कट नहीं करना। तो आपने ये पूरी रेसिपी देखनी है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम चीज़ों में आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। तो आधा ग्लास मैंने पानी ले लिया, यानी कि एक कप मैंने पानी ले लिया। और इसके अंदर एक कप चीनी ऐड करूंगी मैं। तो इसकी हम चाशनी तैयार होने के लिए रखते हैं, और साथ में चाशनी तैयार होगी और साथ में हम अपने गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। तो आप बहुत ही कम चीज़ों से इन्हें घर में तैयार कर सकते हैं। और गुलाब जामुन जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और सबकी ये फेवरेट होते हैं, ठीक है? चाशनी को मैं रख देती हूँ तैयार होने के लिए, साथ हम दूसरा सामान तैयार कर लेंगे। तो हाँ जी, आधा किलो मैंने खुशक दूध लिया है, ठीक है? इलायची मैंने पीस ली थी, ठीक है, वो भी मैंने ऐड कर दी। ये देख सकते हैं इलायची के दाने आपको नज़र आ रहे होंगे। और साथ मैंने 4 से 5 मैंने चम्मच मैदे के लिए, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। साथ इसके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, ऑयल ऐड करूँगी मैं। तो ये हमारे घर का देसी घी है, वो ही ऐड करूँगी मैं, ठीक है? 1 से 2 चम्मच वो ही मैंने ऐड कर दिया। अब अच्छे तरीके से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो साथ साथ मैं जो पानी है वो भी ऐड करती रहूँगी। तो और 1 चम्मच और मैं घी ऐड करूंगी इसके अंदर। तो हाँ जी, ये देखें आटा हमारा जो था वो खोए की तरह ये खोया है, ठीक है? आप खोए चाहे तो खोए से भी आप तैयार कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे दूध से भी तैयार कर सकते हैं, खुले दूध से, ठीक है? उससे आप थोड़ा सा अवॉइड करके अच्छे तरीके से उसे खुशक कर लें, ठीक है? थोड़ा थोड़ा तो आप उसके साथ भी तैयार कर लें। और माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हमने ये सब तैयार कर लेने। चाहे तो आप इस शेप में बना लें, चाहे तो आप इस शेप में बना लें, ठीक है? तो मैं इस शेप में बनाऊंगी सब, क्योंकि पहले मैंने दूसरी दफ़ा, दो दफ़ा पहले मैं बना चुकी हूँ गोल वाले, ठीक है? आप चाहें तो गोल वाले बना लें या ये वाले बना लें। तो इस दफ़ा मैं ये वाले बनाऊँगी, ठीक है? आपको कौन सी शेप पसंद हो आप उस शेप में बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही मैं सब तैयार कर लूंगी। तो माशाल्लाह ये फूलेंगे भी। तो जिन मैम भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेहरबानी। तो बस जल्दी जल्दी से हम ये तैयार कर लेंगे सब। तो हाँ जी, घी मैंने ऊपर रख दिया था गर्म होने के लिए। तो साथ मैंने ये गोल वाले बॉल भी मैंने तैयार किए हैं, ठीक है? ये वाले भी किए हैं मैंने। अब मैं ये ऐड करके चेक करके देखती हूँ। बस हमने ज़्यादा आग को तेज़ नहीं करना, ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कम ही आग हमने रखनी है इसकी। ठीक है, वैसे तो हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से कलर इनका, इनका मैंने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक करना है, ठीक है? इनको मैंने ऐसे नहीं रखना, इनको मैं निकाल लूँगी, इनका कलर यही रहेगा। तो साथ में चाशनी में ऐड कर दी जाऊँगी।
चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इनको भी मैं निकाल लूंगी और दूसरे ऐड कर दूंगी मैं। हाँ जी, ये सब ऐड कर दूंगी मैं। तो इनका कलर अच्छे तरीके से हल्का हल्का ब्राउन हो जाए फिर हम इनको भी निकाल देंगे। ज्यादा हमने हलाना नहीं, ये टूट जाएंगे। तो हाँ जी, सारे हमने चाशनी में डाल दिए, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम निकालेंगे इन्हें। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा रेसिपी पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। इसके साथ ही चाहती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।